चीन में दो भारतीय पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। दोनों पत्रकारों के वीजा को फ्रीज कर दिया गया, उनका वीजा नहीं बढ़ाया गया है। दोनों पत्रकार छुट्टी पर भारत आए थे, जब वापस जाने लगे तो चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रसार भारती के प्रतिनिधि अंशुमन मिश्रा और दक्षिण भारत के प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र के पत्रकार को ये बात सूचित की कि उनका वीजा फ्रीज है, वो चीन वापस नहीं आ सकते। इसके बाद अब भारत और चीन के बीच पत्रकारों के वीजा को लेकर एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। चीन ने कहा है कि वो भारतीय पत्रकारों के साथ दोस्त और परिवार की तरह व्यवहार करेगा। वहीं भारत ने उम्मीद जताई थी कि बीजिंग उनके देश में भारतीय पत्रकारों की निरंतर उपस्थिति में कोई अड़चन नहीं आने देगा। ये टिप्पणी चीन द्वारा दो भारतीय पत्रकारों को देश में प्रवेश करने से रोकने की बात आई है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने चीनी पत्रकारों के आवेदन को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ कर दिया कि हमें पत्रकारिता गतिविधियों को करने के लिए वैध भारतीय वीजा रखने वाले चीनी पत्रकारों की रिपोर्टिंग में कोई कठिनाई नहीं है। चीन में काम कर रहे भारतीय पत्रकारों के लिए उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि चीनी अधिकारी चीन से उनकी निरंतर उपस्थिति और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि लगातार अब ये जो मामला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इस पूरी घटना के बाद जब चीनी समकक्ष से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, हम भारतीय पत्रकारों को दोस्त और परिवार की तरह ट्रीट करना चाहेंगे, लेकिन असल में चीन कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। उसने दो पत्रकारों को चीन में जाने से मना कर दिया, उनके वीजा को फ्रीज कर दिया, जिसके बाद चीन की मंशा साफ तौर पर दिखाई दे सकती है, आपको दिखाई देगी कि आखिर चीन क्या चाहता है, वो करता कुछ और है, कहता कुछ और है। फिलहाल इस मामले को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन दोनों ही देशों के बीच इसको लेकर बातचीत चल रही है। अब देखना होगा कि क्या नतीजा इस पर निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। Indian journalists working in China, we would hope the Chinese authorities would facilitate their continued presence and reporting from China. We are in touch with Chinese authorities. And on the Indian journalists who may have been affected, there is issue of privacy also here. Look, Chinese journalists here, for the Indian journalists, as I mentioned, we hope they are able to work there. For the Chinese journalists here, as I said, there are a number of Chinese journalists who hold valid Indian visas for reporting purposes. So I don't see the issue specifically about any difficulties on reporting. If there are individual cases and issues, I'm sure there are mechanisms to discuss. We are in touch with, as I said, Chinese authorities.